हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सुरमर जो आप देख रहे हो सुरमर जो आर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर दिन से मैं एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैं बहुत कुछ कहां से कहां पेंटिंग करने के लिए मैं आपके साथ जो शेयर करते हुए मैं आगे बढ़ते रहा। लेकिन आप देख रहे होंगे ये इतना बड़े पेंटिंग, इतना बड़े वॉल, इतना बड़े बड़े रूम में आप क्या कर रहे हो। लेकिन यही मेरा रीज़न है जितने अभी पेंटिंग हुआ है। तीन आर्टिस्ट मिलकर हम ये पेंटिंग किया है, तो बहुत दिन तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ टाइम लगा है। लेकिन बड़े बड़े पेंटिंग जब हम करते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ कैसी होती है। तो मैंने यही रिक्वेस्ट है, जितने भी आप जितने लगता है कुछ अचानक से ऐसे हो जाती है, ऐसे नहीं है। जितने भी हम करते रहते हैं लेकिन छोटी छोटी पेंटिंग्स हम इतना बड़े बड़े पेंटिंग की ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए हम कहते हैं ना, हर बार प्रैक्टिस करने से जो बार बार जो ऑब्जर्वेशंस की तरीका आती है, ऑब्जर्वेशन करने की जो वैल्यू हमको मिलती है, ये बड़े बड़े पेंटिंग ऑब्जर्वेशन ही एक रोल प्ले करती है, वरना ऐसे नहीं होती है। मेरे से भी यही सवाल आता था कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े जो वॉल में जब देखते थे तो हम लगता था बहुत दिन लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत पेशेंसफुल लगेगा। लेकिन जब करके देखा रियल में पेशेंसफुल और कुछ हार्डवर्किंग भी है तो, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होती है, और कलर मिक्सिंग वाटर कलर में होती है तो बहुत और डिफ़िकल्टी होती जाती है, क्योंकि ये स्पीड वर्क, स्पीड पेंटिंग कहा जाता है। वाटर कलर में जब पेंटिंग करते हैं तो ये स्पीड पेंटिंग होती है। तो इसलिए आपको भी अगर मौका मिलेगा तो पेंटिंग करने के लिए कभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह कुछ कमीशन वर्क या तो किसी ऑर्डर वर्क आप नहीं करते हो तो अपने घर में जरूर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी से ही बहुत कुछ खुश करते रहा और करते करते हुए बहुत कुछ आर्टिस्ट से मिलने लगा। तो आज हर मोमेंट में हर टाइप ऑफ आर्टिस्ट के साथ में जुड़ने के बाद हर टाइप ऑफ पेंटिंग को प्रैक्टिस करते हुए ये भी मेरा बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी कह सकते हो कि जो मिलने के बाद जो पेंटिंग करने की जो सुजग या तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये बहुत खुशी होती है। तो आपको ये ट्राई करना ज़रूरी है। तो जितने भी हो रहे मेरे शुभ, तो चल देखते हैं जितना भी बात हुई है ये तो आप कुछ समझ सकोगे कि क्या क्या पेंटिंग हुई है, कैसे हुआ है। तो प्लीज़ अगर इस चैनल पर आप नया हो तो मैं अगले ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप अगर इस चैनल पर नया आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर अच्छा लगेगा तो इसी तरह पेंटिंग के साथ आप जुड़ रहना चाहते हो, तो इस चैनल पर आप कनेक्ट रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब भी स्टिल बनाना वीडियो आएगा तो आप स्टिल से आसानी से इस तरह में से कनेक्टेड रह पाओ। चल देखते हैं नेक्स्ट देर से कितना पेंटिंग हुआ, कितने बड़े पेंटिंग हुआ, कितने बाहर से। ये तो घर अंदर की है तो बाहर में बहुत कुछ पेंटिंग हुई है, तो इस पेंटिंग को भी हम देखेंगे। चलो बिना किसी रुकावट से आप कभी, बिना किसी वर्ड से, बिना किसी थकान से आप देखने की कोशिश करें। और मैं और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बच्चों की जो पेंटिंग देख रहे हो ये किसी अपने पर्सनैलिटी वॉल या पर्सनैलिटी घर नहीं है। यहाँ पर हर बच्चे गांव से आने वाला है, गांव अगर आते हैं तो बच्चे लोग ये देखेंगे तो कैसे रोल प्ले होगा, तो प्लीज़ बताएं। और बच्चे लोगों के लिए अगर ये पेंटिंग सही लग रहा है आपको तो प्लीज़ इसमें भी कमेंट में बताएं, और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बताएं। और ये चीज़ किसी भी पेंटिंग पर और कुछ इसी तरह पेंटिंग अगर मौका मिलेगा तो इसमें मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा। और पेंटिंग का रूल अगर गलती भी होती है ये भी बताएं, और अच्छा भी लगता है तो ये भी बताएं। और कुछ भी अगर आती नहीं है तो कुछ लिखना नहीं है तो कमेंट में भी बताएं कि अच्छा लगता तो नहीं मैं कुछ। तो ये बच्चों के लिए ABCD लिखा है, तो ये बहुत बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है और खेलने की मज़ा बच्चों की लगता है। ये बहुत अच्छे से हम पेंटिंग तो कर देते हैं तो आपके नज़र में कैसे लगता है तो प्लीज़ बताएं। और यह है नया आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र, यह होल्ला बेड़ा आश्रम शाही, ये जामदा ब्लॉक में पड़ती है, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा है। आप ज़रूर बताएं आप किस गांव से कहां बनाना चाहते हो ये, इसी तरह पेंटिंग अगर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है तो आप इससे ले सकते हो। और कुछ रियलिस्टिक पेंटिंग भी चाहते हो तो इसमें प्लीज़ कमेंट में बताएं। और कुछ थोड़ा अगर स्क्रॉल करोगे प्लेलिस्ट तो रियलिस्टिक पेंटिंग भी मिलेगा। तो बहुत सारे ये हमारा आर्टिस्ट ग्रुप है, आर्टिस्ट ग्रुप एक साथ मिलजुल करके बड़े बड़े पेंटिंग हम अगर करते हैं तो बहुत कुछ टीम वर्क के साथ होती है। आप देख रहे हो ये श्रमिक वर्ग जो आर्ट एक तो मिला है, और सिल्वर आर्टिस्ट इसे भी ये SS
करके हम पेंटिंग तो हम मिलजुल करके करते हैं, आर्टिस्ट का नाम भी ऐसे लिखते हैं। तो ये ज़रूर आप कमेंट बताएं ये कैसे हुआ, अगर होती है तो कुछ डिफरेंट तो आप भी बताएं। आपकी जो सजेशंस हम फॉलो करने की कोशिश बार बार करते हैं रहेंगे, तो ज़रूर इसी तरह वीडियो को आप कमेंट शेयर करना मत भूलना। समझ नहीं आया ये चीज़ भी आप ज़रूर लिखिए, तो इसी से मैं बहुत कुछ मोटिवेशन मिलती है। इसी से मैं अपने आर्टिस्ट को जब इसी बात पर मैं बता देते हैं तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आर्टिस्ट को जब वर्क करते हैं तो हम एक अकेलापन लगता ही नहीं। हम इस रूम में अकेलापन पेंटिंग करते थे, लेकिन इसी वीडियो आप तक अगर पहुँच कर कुछ कमेंट में आएगा तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने, बहुत सारे दोस्त ने कहेंगे कि हम अकेला कभी पेंटिंग नहीं करते हैं, दुनिया लोग मेरे से जुड़े हैं, दुनिया लोग मेरे से कनेक्टेड हैं। और गलती अगर होती है तो हम सुधरने की बार बार क्वेश्चनिंग्स आती रहती है। क्वेश्चंस, यह क्वेश्चन है, यह पेंटिंग इस घर में या इस वॉल में जो देखने आएगा वही देख नहीं सकता है, हर दुनिया के लोग देखेंगे। इसलिए अगर गलती होती है तो हम सुधरते हैं ज़रूर। थैंक यू गाइस, अगर आपने अंत तक देखा है तो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बताएं। अगर अच्छा लगता है तो इसी तरह पेंटिंग के साथ हमें हर मूवमेंट में जुड़ते रहेंगे, हर मूवमेंट आपके साथ दिखाते रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, अगर अच्छा लगा इस वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट बताएं। और आपको अगर मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हो, मेरे आर्टिस्ट ग्रुप से रहना चाहते हो, तो व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप कमेंट कर सकते हो, इसमें आप कुछ पर्सनल थॉट को आप शेयर कर सकते हो। नहीं, अंत में यही कहना चाहूँगा, टेक केयर, बी हैप्पी, करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हंसते रहिए। हर्ष बांटते दोष, लव यू गाइस, जय हिंद।